हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 1 करोड़ मूल्य की दुर्लभ खैर की लकड़ी बरामद, 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां की गई जब्त, मौके पर मौजूद 8 से 9 व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली ले जाई जा रही थी दुर्लभ खैर की लकड़ी आबू रोड। वन विभाग की ओर से दुर्लभ खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। निचला खेजड़ा की दुर्गम मथारा फली में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी खैर की लकड़ी काट कर रखी गई है। खैर की लकड़ी के परिवहन के लिए मौके पर मौजूद 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आबू रोड के हीरापुरा वन चौकी लाया गया। बरामद की गई करीब 15 टन खैर की लकड़ी का मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। साथ ही मौके पर मौजूद 8 से 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। राज्य के अंतिम छोर पर बसे आबू रोड तहसील का अधिकांश भाग ट्राइबल बेल्ट है। मावल व छापरी गुजरात से सटी सीमा चौकियां हैं। शराब तस्करी के लिए सिल्क रूट का पर्याय माने जाने वाला सिरोही जिला अब दुर्लभ खैर की लकड़ी की तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की सतर्कता खैर की लकड़ी के तस्करों पर भारी पड़ गई। इसी के बानगी आज देखने को मिली। पिंडवाड़ा उप वन संरक्षक लक्ष्मण सुरेशा के नेतृत्व में सुदूर आदिवासी क्षेत्र के निचला खेजड़ा की मथारा फली में कल मंगलवार देर रात को बड़ी कार्यवाही की गई। तस्करों की ओर से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी खैर की लकड़ी बरामद की गई। मौके पर खैर की लकड़ियां कटी पड़ी मिली। वहीं काट कर रखी गई खैर की लकड़ी के परिवहन के लिए लाई गई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद ही मिली। मौके पर मौजूद 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही के चलते आज खैर की दुर्लभ लकड़ी, 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों व हिरासत में लिए गए लोगों को आबू रोड के हीरापुरा वन चौकी लाया गया। बरामद की गई करीब 15 टन की खैर की लकड़ी का मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि खैर की लकड़ी को दिल्ली ले जाया जा रहा था। पाली जिले के जगदीश नामक व्यक्ति द्वारा लकड़ी कटवाई गई है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी कार्यवाही में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पूर्व ही वन विभाग की ओर से जम्बूरी के मीन तलेटी क्षेत्र में ट्रक में भरी करीब 1.5 करोड़ मूल्य की 20 टन खैर की लकड़ी बरामद की थी। साथ ही ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पिंडवाड़ा के ACF लक्ष्मण सुरेशा, इन्होंने ये कहा। ये घटना रात के टाइम की है। इन्फॉर्मेशन के बाद में मैं सुबह नियर अबाउट 8-1 बजे मौके पे पहुंचा हूँ। आबू रोड के स्टाफ है ना, रात के टाइम ही निकल गए थे गश्त के दौरान। जब भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली मौके पे जाकर के, इन लोगों ने रेंजर साहब आबू रोड, मैं स्टाफ आबू रोड के, मौके पे जाकर के जो जो उनकी जहाँ दबिश देने के बाद में नियर अबाउट 2 तो ट्रैक्टर और 2 ही खैर की लकड़ी वहाँ अवैध कटी हुई पड़ी थी, उनको हमने सरकारी तहवील में लिया गया। कहाँ सर कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई निचला खेजड़ा, वो मथारा फली के नाम से आदिवासियों की ढाणी है। तो ऑल ओवर ही ये सारा जो है ना एरिया हमारा फॉरेस्ट जंगल और ये आसपास का एरिया है। सर कितने कुछ डिटेन किए हैं? कुछ डिटेन तो पूछताछ के लिए जो भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने मौके पे मतलब 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया, हमारे तहवील में लिया है जिनकी पूछताछ जारी है और अपराध साबित होने के बाद इनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की है। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।